अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू मिस किचन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है बर्गर टैकोस। तो चलें हैं इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ओवरलेफ्ट कीमा बचा हुआ था, मटन का कीमा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसके बर्गर टैकोस बना लिए जाएं। तो अगर आपके पास भी कोई ओवरलेफ्ट चिकन का कीमा हो या कुछ भी ऐसा वेजिटेबल बची हो तो आप उसे भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिए हैं बर्गर्स। तो इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से करके इसको हम थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे रोलिंग पिन से। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करना हमने। तो देखिए इस तरह से ये फ्लैट हो गया। तो दूसरे को भी इसी तरह से कर लेंगे। बन जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको फ्लैट कर लिया है। तो अब इसको हम हल्का सा बटर या ऑयल लगा के इसको हल्का सा सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, उसके ऊपर मैंने घी डाल दिया है। हल्का सा इसको मेल्ट कर लेंगे। इसके ऊपर रख देंगे ये बन। हल्का सा बस हम इन्हें गर्म होने देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे। थोड़ा सा और कलर आने देंगे इसको। तो देखिए इसके ऊपर आ गया है। तो गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा लो कर देंगे। इसको भी टर्न कर लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे हम ये स्लाइस चीज रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है बिल्कुल। इसको कवर करके थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे चीज़ को। तो ये देखें चीज़ के ऊपर हल्का सा मेल्ट हो गया है। तो इसको हम उतार लेंगे। तो इसको मैंने उतार लिया है। इसको हल्का सा हम इस तरह से टैको की शेप दे देंगे। तो इसको इस तरह से ग्लास के मिडल में रख देंगे ताकि ये अपनी शेप पकड़ ले। इस तरह से सेट हो जाएगा ये। वो इसको भी ऐसे ही करूँगी, इस तरह से हल्का सा प्रेस करके इसमें रख देंगे। तो ये दूसरा था बर्गर, उसको भी इस तरह से मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखें इस तरह से सेट हो गए हैं। तो अब इसके अंदर रखेंगे हम ये लेटस है। इसको इस तरह से मैंने इस तरह से काट लिया है। तो इसके अंदर रखेंगे इस तरह से। तो अब इसके अंदर डालूंगी मैं ये कीमा, ये जो बना के जो हमारा बचा हुआ था ओवर लेफ्ट, इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास भी कोई इस तरह से कोई ओवर लेफ्ट कीमा या चिकन कोई वेजिटेबल बचे हो तो आप इस तरह से बड़े इजी से आराम से घर में ये बर्गर टैको बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो देखें इस तरह से मैंने ये बर्गर टैकोस बना लिए हैं। इसके ऊपर मैंने केचप लगाई है। तो
तो देखिए झटपट से मैंने ये बर्गर टैकोस बना लिए हैं, तो आप इसे अफ्तारी में बनाकर खा सकते हैं, पार्टी में बनाकर दे सकते हैं बच्चों को। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कॉमर्स में कैसे बने हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।